smoking big cigars. I hope you're ready for what's coming now. I'm the one. उन दोनों से फोकस हटा के फोकस ऑन मी. सो हेलो गाइज, आई एम भावना भारद्वाज, एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट. गेमिंग के बैड और गुड इफेक्ट दोनों ही होते हैं. रिसर्च प्रूव्ड है कि अगर हम 2 आवर पर डे खेलते हैं, विच इज़ ओके, बट अगर हम उससे ज़्यादा एक्सीड करते हैं तो वो हमारे लिए एडिक्शन बन जाता है और हमारे लिए हार्मफुल साबित होता है. वीडियो में डिटेल में जाने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और अपडेट चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. हम हर ट्यूसडे और फ्राइडे आपके लिए वीडियोस लाते हैं जो फिजिकल हेल्थ इशू और मेंटल हेल्थ इशूज़ को कवर करते हैं. संडे को न्यूज़ भी आती है. तो आप चलते हैं वीडियो की डिटेल में. अब बात करते हैं भूतकाल से, मतलब कि हिस्ट्री से बात करते हैं. 1960 से 1990 में गेमिंग स्टार्ट हुई. सबसे पहले उसमें आया फेशियल कंट्रोल, उसके बाद आया वॉइस कंट्रोल, हेलो आई एम डोरेमोन, उसके बाद आया जेस्चर कंट्रोल. अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस किया गया अपने अलग अलग फीलिंग्स को. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस आई, वर्चुअल रियलिटी को ऐड ऑन किया, ग्राफिकल एडवांसमेंट ऐड ऑन करी गई. उसके साथ साथ पोर्टेबल गेमिंग, वर्चुअल रियलिटी और अब स्टार्ट हो गया ऑनलाइन गेमिंग ट्रेंड. अब 1983 में सॉफर और विलर ने दोनों ने मिलकर बताया कि ये गेमिंग जो है कहीं ना कहीं एडिक्शन का भी रोल प्ले कर रही है. मतलब उन्होंने स्कूल्स में देखा, रिसर्च पेपर्स में देखा और लास्टली उन्होंने बताया ये कहीं ना कहीं एंजाइटी क्रिएट करती है, बिहेवियर रिस्पॉन्स करती है और अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जो लोग गेम खेल रहे हैं. अब अगर इसी में बात करें तो गेमिंग किस तरीके से बनाई जाती है और आपके दिमाग पे कैसे वो इम्पैक्ट डालती है. अब गेमिंग का रूल है कि गेमिंग 2 तरीके से आपके दिमाग पे कंट्रोल करती है. फर्स्ट, गेमिंग का सो स्ट्रक्चर होता है एंड सेकेंड इज एडिक्शन सर्किट इन योर ब्रेन. स्टार्ट विद फर्स्ट, क्या करते हैं ये गेमिंग स्ट्रक्चर वाले, ये कंपल्शन लूप दे देते हैं विच शोज योर पोटेंशियल. अब अलग अलग पोटेंशियल लेवल देते हैं. फर्स्ट लेवल क्रॉस किया इतने कैपेबल हो, सेकंड लेवल क्रॉस किया इतने कैपेबल. उसके साथ साथ डाल देते हैं रिवॉर्ड्स. रिवॉर्ड्स इट मीन्स फीलिंग ऑफ प्लेजर. कंपल्सरी नहीं है, मतलब ऐसा सा लगता है कि हाँ टेम्परेरी है, हुआ नेक्स्ट लेवल खेलना है, वो क्रॉस करना है. इसके साथ साथ क्या होता है, अब रिवॉर्ड मिल रहे हैं उसके साथ होता है ब्रेन सिक्रीट्स डोपामीन. डोपामीन को रिसर्च प्रूव्ड है कि ड्रग अब्यूज के बराबर होता है अगर डोपामीन साथ साथ रिलीज हो रहा होता है. ड्रग अब्यूज मतलब एडिक्शन. तो जैसे जैसे डोपामीन साथ साथ रिलीज होता है हमें बहुत अच्छा सा फील होता है, हम गेमिंग कंटिन्यू रखते हैं. सेम मार्क ग्रिफ्स पोस्ड अ सिंपल फंडा विच इज कि अगर ये एक ऐसी लूप बनाते रहते हैं जो कि नेवर एंडिंग सीरीज होता है, एक लेवल क्रॉस, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे पबजी, COD तो मुझे भी पसंद है, ऐसे ही गेम्स चलते रहते हैं और कोई एंड नहीं है. बस आप मार रहे हो, रिवॉर्ड जीत रहे हो, फीलिंग आ रही है, अच्छा लग रहा है, गेम कंटिन्यू. ठीक है, अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने या मोदी जी ने बहुत सारी चीज़ तो बंद कर ही दी है, पबजी भी बंद कर दिया फाइनली, अब क्या करो, ऑनलाइन क्लासेस भी बंद कर दो. बच्चे पढ़ाई और गेम अलग. तो स्टार्ट करते हैं कौन से क्राइटेरिया है DSM-5 में जो प्रूव्ड करते हैं कि आप एडिक्टेड हैं गेम के लिए. हर एक इंसान एडिक्टेड नहीं है, ठीक है, और कुछ कंट्रीज हैं जो टॉप पे हैं, जैसे चाइना, बनाने वाला खुद ही फंसता है, मतलब गड्ढा खोदने वाला खुद ही गिरता है. ऐसे ही चाइना टॉप मोस्ट पे है एडिक्शन में. उसके बाद आते हैं अलग अलग कंट्री लाइक USA, नेदरलैंड, इंडिया नीचे आता है थोड़ा सा, एडिक्टिव उतने नहीं है बट अब शो होने लगा है, विच ऑल्सो शोज एंग्जाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस एंड डिफरेंट फीलिंग. अब अगर एंग्जाइटी और डिप्रेशन की बात करें तो ब्रेन का सर्किट भी ऐसे ही कनेक्टेड है, जैसे कि यू हैव डिफरेंट फीलिंग्स, लाइक एंगर है, गेम खेल लो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, गुस्सा आ रहा है किसी पे, अलग अलग फील हो रही है, हटना चाहते हैं सबसे, बहुत अच्छा भी लग रहा है तो गेम खेल लेते हैं, अलग अलग फील थी गेम खेलना स्टार्ट किया. इम्पल्स कंट्रोल, इम्पल्स कंट्रोल से सेंसरी मोटर कोऑर्डिनेशन आप करते हैं जब आप गेम खेलते हैं. अब उसके साथ साथ रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, तो ये एक लूप है, नेवर एंडिंग लूप है जो कंटिन्यूस होता रहता है. फीलिंग, इम्पल्स कंट्रोल, सेंसरी मोटर कोऑर्डिनेशन, रिवॉर्ड्स, इसी तरीके से हैंडल चलता रहता है. अब 9 क्राइटेरिया कौन से हैं जिससे आप प्रूव होगा कि आप एडिक्टेड हैं या नहीं है.
तो IGD की नॉर्मल जो है मतलब इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर्स की नॉर्मल क्राइटेरिया है वो इस तरीके से। फर्स्ट इज प्रीऑक्यूपेशन। प्रीऑक्यूपेशन मींस आप हर टाइम खाते उठते सोते प्लानिंग करते रहते हैं गेमिंग के बारे में कि नेक्स्ट कौन सा गेम खेलना है, किस तरीके से खेलना है, हर टाइम गेम के बारे में सोचते हो उसमें क्या था, किस तरीके से हिट करना चाहिए था। सेकेंड इज विड्रॉल। अगर आपसे थोड़ी देर के लिए कोई बोल दे कि थोड़ी देर छोड़ दो, काम कर दो कुछ और, तो आप एंशियस हो जाते हैं एंड एंगर शो करने, थोड़ी देर खेलने दो ना, क्यों तंग कर रहे हो। हर टाइम अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, अलग तरीके से रेस्टलेस रहते हैं, 24 घंटे उसी के बारे में सोचते रहते हैं। नेक्स्ट आता है टॉलरेंस। टॉलरेंस मीन्स इतना खेलते थे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा पूरी पूरी रात गेम में बिता दी, मेरे नोन में है ऐसे लोग, पूरी रात गेम में बिता दी और सुबह लेट तक सोते रहते हैं, टॉलरेंस लेवल बढ़ाते रहते हैं अपना कि और गेम खेलना है। उसके बाद अदर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, गिव अप ऑन अदर एक्टिविटीज़, जैसे आउटडोर एक्टिविटीज़ हो गई या फिर कोई भी घर के इंपॉर्टेंट काम है, तुम्हारे खुद के इंपॉर्टेंट काम है, उनको छोड़ के बस गेम खेल रहे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, कुछ नहीं करना है, मुझे बस गेम खेलने दो। नेक्स्ट आता है रिड्यूस एंड स्टॉप। अगर आप खुद भी कम करना चाहते हैं या पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं फिर भी आप उसे नहीं कर पाते हैं, आप सोचते हैं कि आज से तो बिल्कुल बंद कर दूंगा, पर आते हैं और गेम खेलना दोबारा शुरू कर देते हैं। उसके बाद आता है कि आप कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ या फिर रिलेशनशिप या फिर कितने सारे फैमिली मेम्बर्स को उसकी वजह से खो देते हैं। लाइक मेरे ही नोन में एक ऐसा इंसान भी था कि उसने अपना इंटरव्यू छोड़ दिया क्योंकि उसने पूरी रात गेम खेला था और सुबह उसका इंटरव्यू था तो वो सो रहा था आफ्टरनून तक। तो कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कुछ भी आ रहा है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, मुझे गेम खेलना है क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेरा सेफ जोन भी है। नेक्स्ट है सेफ जोन। हर चीज़ से हट के सेफ जोन में रहना पसंद करते हैं। गुस्सा आ रहा है, मैं गेम खेल लेता हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं गेम खेल लेता हूँ। हम एक सेफ जोन, एक सेफ एरिया बना लेते हैं गेमिंग जोन को, सारा एग्रेशन डिप्रेशन सब कुछ उस पर बिताते हैं, पूरे रात अकेले रहते हैं, दिन में अकेले रहते हैं, गेम प्ले करते हैं। अब लास्ट टू, फर्स्ट इज यू कंटिन्यू स्टार्ट, यू नो योर प्रॉब्लम बट कंटिन्यू कर रहे हो साथ साथ, कॉलेज का काम छूट रहा है, घर का काम छूट रहा है, कोई कुछ बोल रहा है वो छूट रहा है, बट फिर भी आप, आपकी प्रॉब्लम्स आपको पता है फिर भी आप उसे नहीं छोड़ पा रहे हो। लास्ट है कवर अप। कवर अप करते हो कि यार थोड़ी देर ही तो खेला है, इतनी देर में क्या हो गया, थोड़ा सा ही तो है, 2 घंटे तो हुए हैं, हर चीज़ में कवर अप करना, अपना टाइम रूटीन छुपाना, नहीं बताना कि कितनी देर से आप खेल रहे थे। अब इसके क्या क्या आउटकम्स आपको देखने को मिलेंगे। आउटकम्स अगर मेंटल हेल्थ की बात करें तो आपको मिलता है स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड सोशल फोबिया, अडल्ट केसेस में ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर फिजिकल की बात करें तो सेडेंटरी वर्क है, बैठे बैठे बस खेलना है और आप साथ साथ ईटिंग, तो ओबेसिटी और अलग अलग डिसऑर्डर, हॉर्मोनल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं, साथ साथ मिलता है स्लीप डिस्टर्बेंस। अब बात करें अगर ट्रीटमेंट पार्ट की, तो उससे पहले जो नॉर्मल हमारा इंटरटेनमेंट वर्ल्ड के लिए गेमिंग स्टार्ट की गई थी, बट साथ साथ बात की गई थी कि अगर कंप्यूटर इन्वेंट हुआ है तो गेमिंग स्टार्ट की गई थी ताकि वो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को चेक कर सके, ना कि आपकी परफॉर्मेंस को, बट हमने उसे अपनी परफॉर्मेंस और पोटेंशियल दिखाने के लिए यूज़ किया। अब ट्रीटमेंट में कैसे यूज़ कर सकते हैं, फर्स्टली मोदी जी ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है पबजी को बैन करके, आधे लोग वैसे ही बेरोज़गार हो चुके हैं। अब नाउ स्टार्ट नॉर्मल ट्रीटमेंट पार्ट। फर्स्ट इज स्टार्ट विद CBT। CBT कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जो कि नॉर्मल काम करती है आपकी थॉट। थॉट क्या होता है, थॉट से क्रिएट होती है आपकी फीलिंग, पहले किसी चीज़ के बारे में सोचा, सोचते सोचते उस फील में आ जाते हैं एंड फीलिंग क्रिएट्स योर बिहेवियर। अब सोच लिया है अच्छे से, पूरा सोच के से डाटा बना लिया है, उसके बाद वो कहीं ना कहीं आपके बिहेवियर में शोन लग जाते हैं एंड बिहेवियर ऑल्सो क्रिएट योर थॉट। फिर नेवर एंडिंग लूप, विच इज़ वर्क ऑन योर एडिक्शन सर्किट ऑफ योर ब्रेन। इसी तरीके से उसको तोड़ा जाता है, जैसे लोहा लोहे को मारता है, जिस तरीके से वो क्रिएट हुआ था फील इम्पल्स कंट्रोल वो वाला चैनल, उसी तरीके से CBT काम करता है इस चैनल पे। उसके बाद आता है नॉर्मल फैमिली थेरेपी। फैमिली से डिस्कस किया जाए, उन्हें बताया जाए कि किस तरीके से वो अपने बच्चों पे या जिसको भी एडिक्शन है उससे किस तरीके से बात कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, काउंसलिंग कैसे करनी है, नॉर्मल बैठ के बताना है किस तरीके से वो उससे टैकल कर सकता है, प्रॉब्लम क्या है, मेन कोर ऑफ प्रॉब्लम क्या है, और धीरे धीरे उस टाइम ड्यूरेशन को वो कम करा सकते हैं और दूसरी एक्टिविटीज़ में उसे इंगेज करा सकते हैं जो उसे पसंद हो,
क्रिएटिव तौर पे या फिर आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा उसे पसंद हो, आर्ट एंड क्राफ्ट यूज़ कर सकते हैं, साथ साथ मेडिकेशन चला सकते हैं अगर आपको लगता है बहुत ज़्यादा ही हो रहा है और आपके कंट्रोल में नहीं है, डिप्रेशन एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम उसके साथ साथ दिख रही है, तो मेडिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसी का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अप्लाई करना ज़रूरी है, अगर आपको कुछ भी ज़्यादा दिख रहा है तो इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को ज़रूर अप्लाई करें। साथ साथ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ करवाना, नॉर्मल डीलिंग करना, काउंसलिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है और आप मुझसे बात करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो मैं आपको मिलूंगी इंस्टाग्राम पे भी भावना भारद्वाज कृष्णा के नाम से। साथ साथ नीचे कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे बता सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फील हो रही है या फिर मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप नीचे वो जो रेड बटन है उसको दबा सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, थैंक यू।